अभी हम बात करेंगे यहाँ पे मॉब लिंचिंग के लिए। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, SDPI ने इसने इनिशिएटिव लेकर यहाँ पे मॉब लिंचिंग का एक प्रोटेस्ट चालू किया है। अभी हम इनसे बात करते हैं इनकी जुबानी मॉब लिंचिंग के बारे में। ये एक्चुअली मसला बहुत बड़ा है हिंदुस्तान का। अब देखते हैं यहाँ पे इनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं, क्या बोलते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे आप? जी मैं ये नरेंद्र मोदी की सरकार को एक मैसेज देना चाहूँगा और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जो आज तक हम अमन और शांति से जो जीते आए हैं, हमें जीने दें और हमें इस तरह मजबूर ना करें कि हम सड़कों पे आए और इस तरह नारेबाजी करें। ये हम बड़े मजबूर होकर जो है आज सड़क पे आए हैं, हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे आने का। और आज जो है ये जुल्म और जाति जो दलित और मुसलमानों के साथ में हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। और जब से ये सरकार आई है तब से कुछ ज़्यादा ही जो है इस मामले को तूल दिया जा रहा है। हर जगह दलित और मुसलमानों को पकड़ के मारा जा रहा है और कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, यहाँ पे हर किसी को अपने अपने धर्म पे चलने का अधिकार है। संविधान ने हमको हक दिया है कि हम अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकें। लेकिन आज जो है जुल्म और जाति इतनी बढ़ गई है कि हमें ज़बरदस्ती पकड़ के बोला जा रहा है कि जय श्री राम। 2014 से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, 2014 के बाद में यह सिलसिला शुरू। देखिए 2014 से पहले भी जो है ना, मतलब बहुत सारे जुल्म होते थे लेकिन इस तरह के जुल्म नहीं होते थे। हद से ज्यादा हो गया इस बार जो है ना, हद से ज्यादा हो गया है। 2014 से पहले जो है ना अलग तरह के जुल्म होते थे, मतलब वहाँ पे धार्मिक कोई मामला नहीं था। अब धर्म को लेकर जो है इतना ज्यादा, मतलब अगर हम चाहते हैं कि जितना मतलब सरकार इस मुद्दे को लेकर जो है जितना का मतलब ये कर रही है, अगर उतना ही इतना ही जो है अगर ये देश की तरक्की के लिए, इसकी उन्नति के लिए अगर काम करे तो ये देश बहुत आगे जाएगा। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और हर कोई यहाँ सुकून और शांति से रहे। अगर नारे की बात करें, पार्लियामेंट में भी ऐसी होता है, पार्लियामेंट में असद ओवैसी अल्लाह अकबर बोलते हैं और दूसरे जय श्री राम बोलते हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये तो जो है ना, मतलब अभी नया नया हमको देखने मिला है, वरना मतलब ये असेंबली में ये सब चीज का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो है धर्म को एक अलग अपनी जगह रखना चाहिए और पॉलिटिक्स को अपनी जगह अलग रखना चाहिए, लेकिन आज जो है मतलब ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और इससे आम जनता को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जात के नाम पे वोटिंग नहीं होने से, जात के नाम पे सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यादव का जात अलग और ब्राह्मणवाद अलग, ये सब जात के ऊपर ही हो रहा है। असद ओवैसी मुसलमान के नाम पे वोट ले रहे हैं, ये सब जात के ऊपर ही डिपेंड है पूरा। देखिए मसला ऐसा है ना कि ये जो सियासत का मामला है, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी रोटी सेकते हैं और धर्म को लेके जो है ये मतलब अपने अपने वोट बैंक के लिए ये धर्म को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है। यहाँ पे जो है हर किसी को जो है अपने धर्म पे चलने का अधिकार है, और सियासत एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं तबरेज़ अंसारी के ऊपर आऊँगा। तबरेज़ अंसारी जब इंजर्ड हो गए थे तभी उनको पुलिस प्रशासन ने लेके गई, एज ए चोर बना के लेके गए, कॉलर पकड़ के लेके गए, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? और डॉक्टर जो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया था, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो चोर है या नहीं है वो तो रिपोर्ट किया बोल रहा हूँ, जो वो चोर है या नहीं है ये तो हमको मालूम नहीं है, ये जानना पुलिस का काम है। पुलिस को चाहिए कि उस पर तहकीकात करे, ना कि इस तरह उसको पीट पीट कर मार दिया जाए। अगर चोर होगा भी, अगर उसने चोरी की भी होगी तो कानून के हवाले करना चाहिए था उसको, कानून उसके ऊपर बेहतरीन जो है वो एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना मतलब जुल्म बहुत ज़्यादा हो गया उसको, क्योंकि ये एक्चुअली जो है ना, ये एक्चुअली जो इसमें कैसा है कि ये साजिश है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जहाँ पे मुसलमानों को डराने की और दलितों को डराने की कोशिश की जा रही है। और इतिहास अगर हम उठा के देख लेंगे, मुसलमान को डराना इतना आसान नहीं है, मुसलमान डरने वाले नहीं है। ये मतलब आप लोग जो है मतलब ये किसी गरीब को और मतलब किसी ऐसे इंसान को, मैंने अभी देखा इस वीडियो में कि एक अंधा बूढ़ा और बूढ़ी को पकड़ के बोल रहे बोलो जय श्री राम, अरे उनके जय श्री राम बोलने से तुम्हारा क्या मतलब इस देश में फायदा हो जाएगा? हालांकि देश की हुकूमत ने हमसे ये कहा था कि सबका साथ, ठीक है, हालांकि देश की सरकार ने, हुकूमत ने हमसे ये कहा था कि सबका साथ और सबका विकास होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिल रही है किसी का। एक तो ये तासुब होता है कि धर्म के नाम पे जो है तरह तरह के जो मुसलमानों को अजियत दी जा रही है और तकलीफ किया जा रहा है। अगर ये मुसलमान वाकई में जिस तरह से आप लोग हरकत कर रहे हैं,
जिस तरह से आप लोग हरकत कर रहे हैं कि एक एक मासूम मासूम बच्चों को, नौजवानों को पकड़ करके उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, अगर हम वही चीज हम अपने नौजवानों को कहेंगे कि हमारे नौजवान खड़े होकर के ये चीज किया जाए, तो फिर क्या होगा इस मुल्क का? इस मुल्क के अंदर खून खराब होगा, खून होगा और खून की नदियां बहेगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है अमन वाला है, शांति वाला, सुकून वाला है। ये गंगी जमुना की तहजीब है ये हिंदुस्तान। ये हम फख्र से कहते हैं, जितना आपने इस देश को बसाने के लिए खून दिया है, उतना खून हमने भी इस देश को बचाने के लिए, इस देश को हमने जो है अंग्रेजों से आजाद करने के लिए खून दिया है। मोदी साहब कभी ट्विटर पे नहीं आते हैं, कभी ऐसे मसले पे बात नहीं करते हैं। तो अगर ट्रंप का बर्थडे होता है, उसका जन्मदिन होता है, तो ट्वीट कर देते हैं, तो ये ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करते इसकी। मोदी साहब, हम सरकार की हुकूमत से ये कहेंगे कि आपने जो तशहुद, जो क्या कहते हैं, जो इस तरह गुंडाराज हो, तशद्दुद हो रहा है, और इस तरह से जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, आप सिर्फ जबानी मुसम्मत कर रहे हैं। जबानी मुसम्मत करने से कुछ नहीं होगा, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। जबानी मुसम्मत तो कोई किसी के लिए भी कर सकता है, हम तुम किसी के लिए भी करेंगे, वो असल में हुकूमत आपके हाथ में। तो जबानी मुसम्मत मत कीजिए, आपके पास कानून है, कानून की कार्रवाई कीजिए। कानून क्यों बनाया गया हिंदुस्तान का, और ये कानून सबके लिए अच्छा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए ये कानून। मुझे एक चीज ये पूछना है कि आप लोग एसडीपीआई का जो हेडकाउंट है चीता कैंप में खास करके, बहुत मिनिमम है, नहीं के बराबर है, लेकिन एसडीपीआई ने प्रोटेस्ट ले लिया, यहाँ की बड़ी पार्टी भी है, वो क्या कर रही है? देखिए, तादाद कम हो, यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी। हम भले ही कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान बहुत मजबूत है, और जो है अल्लाह के रसूल के जमाने में आपने देखा होगा कि एक जगह 313 थे और एक जगह हजारों की तादाद में थे, लेकिन उनका ईमान मजबूत था, इसीलिए वो कामयाब हो गए। लेकिन ये प्रोटेस्ट का एक्चुअली मैसेज क्या होगा? मैसेज क्या है, हम इस सरकार को इस ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये देश में अमन और शांति रहे हमेशा, और कोई ऐसी सरकार आए यहाँ पर जो इस देश को सही तरीके से संभाल सके, और सबको अदल और इंसाफ के साथ रहने के लिए मतलब यहाँ पे होना चाहिए। इस देश में अमन और इंसाफ के साथ लोगों को रहना चाहिए। इंसिडेंट पे तबरेज अंसारी का जो कत्ल हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये सियासी कत्ल भी नहीं है, ये एक माइनॉरिटीज़ के लोगों को डराने की एक प्लानिंग है, पूरी साजिश है, और उनकी मंशा यही है कि वो बेकसूर और मासूम लोगों को कत्ल करें और निहत्ते लोगों पे वार करते हैं। ऐसे लोगों से हमें बहुत मुत्तहिद होकर और एक होकर हमको लड़ना होगा। और जी बोलिए, कैसा होता है कि मतलब हिंदुत्व के नाम पे हिंदू वन साइड हो जाते हैं जी, ऐसे हादसे के बाद भी मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में आते नहीं है, उसकी क्या वजह? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी पिछले 6 महीना पहले एक चुनाव हुआ था उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, और उसके बाद एक और राजस्थान का हुआ था, तो वो आपको एक क्लियर कट इशारा देता है कि आज भी पूरे हिंदुस्तान की जो है पूरे जो लोग हैं वो फिरका परस्त नहीं है, एक सेकुलर फोर्सेस अभी भी बहुत बुरी तरीके से लड़ रही है इनके साथ में, तो डरने की कोई बात नहीं है। इस तरीके के हादसे होते हैं और इसका जवाब हमारे कानून पे हमारा पूरा विश्वास है, और कानून इसका इंसाफ करेगा। बीजेपी कॉन्सेप्ट लेके चलता है, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट लेके चलता है, पूरे हिंदू उसको वोट डालते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में है और एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करे, हर जगह पे थोड़े थोड़े बटे हुए हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ। ये तो बड़ा सोचने का मुकाम है, इसको सोचना पड़ेगा, अभी हम लोगों को अपने नए तरीके से अपनी घेराबंदी करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर हम लोग सब एक जगह जमा भी हो जाएंगे तो हमारी तादाद इतनी है कि हम लोग रिफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ में बांटा है, हर हिस्से में अपने अपने तरीके से उन्होंने बांट दिया है कि हम लोग एक जगह भी, अगर हम लोग एक जगह जमा हो सकते हैं करोड़ों की तादाद में, लेकिन हम लोग उसको वोट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि करोड़ों की लाखों की तादाद में वोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने ऐसी प्लानिंग की है, वो प्री प्लानिंग के साथ में अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि अपने तरीके से अपनी प्लानिंग करना चाहिए और संयम रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए इंसाफ के ऊपर। तबरेज अंसारी पे इमीडिएटली अगर मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया जाता तो शायद वो बच जाता, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काफी डिले किया गया और पुलिस ने जो हिसाब से उसको लाया था, एक कॉलर पकड़ के लाया था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। देखिए, ऐसा है कि तबरेज अंसारी के ताल्लुक से जो मैं जितनी भी मजम्मत करना चाहूँगा तो वो कम होगी, मजम्मत से तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इस वक्त हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि हम लोग सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं, और अभी मजम्मत करने के लिए भी हमारे कुछ लोग जो है वो आगे नहीं आ रहे, बड़ी शर्म का मकाम है हमारे लिए कि हम लोग ऐसे वक्त में भी इकट्ठा होकर सामने नहीं आ रहे। और रही बात उसको जिस तरीके से मारा गया है, आपको पता नहीं होगा उसको 16 घंटे मारा गया है,
एक खंबे से बांधकर उसको मारा गया है 16 घंटे तक के। आप इंसाफ नहीं करोगे तो इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है, वो इंसाफ करेगा, हमको पूरा यकीन है अल्लाह की जात पे कि वो हमारा इंसाफ जरूर करेगा। ये मॉब लिंचिंग बंद कैसा होगा? मॉब लिंचिंग बंद, जैसा कि आपको पता होगा कि जब ये सरकार आई थी 2014 में तो उन्होंने एक कानून लाने की बात कही थी कि अगर 8 साल के बच्चे का इस तरीके का बलात्कार होगा तो वो बलात्कार की शक्ल की सूरत में जब वो तकमील पे पाया जाएगा, अगर उसके साथ इंसाफ होगा तो उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन जब कश्मीर का जब आसिफ का मामला आया और जो दोषी करार दिए गए उनको उम्र कैद की सजा दी गई, तो जहां इंसाफ नहीं मिलेगा तो वहां पर तो इस तरह के मामला होते रहेंगे। बीजेपी जो सोशल मीडिया में काफ़ी ये चल रहा है कि बीजेपी आई टी सेल एक बना हुआ है, आई टी सेल सबको ट्रॉल कर रहा है, जो भी इंसाफ की बात कर रहा है, जो सेकुलर माइंड की बात कर रहा है उसको ट्रॉल किया जा रहा है, तो इसका ये कैसा रुकेगा? मतलब सेकुलर माइंड का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जो हिंदुत्व फोर्स है वो टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया में भी काफ़ी जोरों में है। देखिए मैं आपको एक हल्का से मशवरा देता हूँ कि आपने एक शेर सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये जो लोग हैं जिस तरीके की फिक्र है तो ये पूरे हिंदुस्तान की फिक्र नहीं है मेरे भाई, ये पूरे हिंदुस्तान की फिक्र नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग कंधे से कंधा लगाकर एक साथ एकता का प्रतीक है और यह ऐसी फिरका परस्त ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी शुक्रिया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।